हेलो गाइस, आज के हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अभी कहने लगा था एंड करते हैं, तो अभी तो हमने शुरू किया। तो गाइस ये हमारे कबूतर है सारे, जो से जिनमें से भाग गए जिनमें से रह गए। पानी भी डाल दिया, दाना डाला हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम सोच रहे हैं और भी कबूतर ले गए, नहीं तो हम इनको भी बेच के मुर्गियाँ डाल लें। तो गाइस ये हमारा पौधा चेहरा, ये देखें इसके यहाँ से नए भी आ रहे हैं। ये देखे नीचे यहाँ पे घास भी की उग रही थी, मगर नहीं है देखे। तो चले वैसे इसको छोड़ते हैं, पते अपने बटेर कह रहे हैं इनके पास, कबूतरों के पास। ये देखें गाइस, दाना भी पड़ा हुआ है, आप खा लेंगे, तो आप हम इनको फिर बंद कर दें। तो गाइस ये देखना, ये कबूतर हमारा बच्चा बड़ा पक्का है। ये देखना अभी सीधा उतर, ये देखेगा। तो गाइस हम इनको दाना भी ये वाला डालते हैं, जमीन पे भी आपको पड़ा हुआ दिख रहा होगा, मगर उधर सही नजर ना आए, तो हम इसको डब्बे को खोलते हैं। ये देखेगा गाइस, ये इसका दाना है। बस पहले एक यही काम करते हैं कि हम इनका सारा दाना उठाते हैं। बस उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, तुझे मन है तो इनके साथ कैमरा। तो चलेगा इनका ये सारा दाना उठा देते हम, तो यहाँ पे डब्बे में डाली जाइए। तो बल्कि गाइस छाती साफ कर देते हैं, मैं पानी से नीचे से। तो चले गाइस झाड़ू ले हैं, तो इन सारा का साफ करते हैं घर सारे। तो गाइस ये दो सा दाना ये हम अपने जंगली कबूतरों को डाल देंगे, रह नहीं करेंगे, उनको नया दाना डाल देते हैं। तो चलिए गाइस ये बोल के मैं पहले फेंक दूँ थोड़ा दाना। तो चलिए गाइस तो बकरा गाइस जो सा साफ दाना वो थोड़ा हम डब्बे में भी डाल देते हैं, बकाया सारा हम जंगली कबूतरों का। तो चलिए गाइस, तो बस कैमरा भी बड़ा पड़ा फिर। ये देखें गाइस ये हम ऊपर फेंक देंगे, बकाया दाना भी ऐसे उठाएंगे ऊपर फेंके जाएंगे। बकाया दाना जो सा ये छोटा छोटा आ गया तो ऐसे बुका देंगे। बस अपने कबूतरों की सारी जगह साफ कर देते हम। तो गाइस मैं आपको छत साफ करके मिलता हूँ। गाइस ये देखें छत सारी साफ हो गई है। ए वन अब इनको थोड़ा सा ही दाना वो भी डब्बी में डालता हूँ, ये छोटी सी, जिसने खाना होगा खा लेंगे। ये लेगा ये थोड़ा सा दाना मैंने बीन में डाल लिया, बकाया जो सा बचेगा वो हम दोबारा से उठा लेंगे। बस जो हमने जंगली कबूतर भी आ गया। ओह 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 ओह
आह बस पहले आ जाते हैं। जो आपका मैंने कबूतर पकड़ा था वो पहली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो आपका वो आते ही नहीं। मैंने वहाँ से कबूतर भी पकड़ा था एक जंगली, तो आपके अभी आते ही नहीं। तो गाइस थोड़ा सा थान चढ़ गया, हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। वैसे अब थोड़ी सी हवा अभी चलनी शुरू हो गई है, वैसे मगर छत सारी साफ हो गई है। ये देखें तो वैसे एक फायदा ये है हमारी टैंकी का, इससे एक नलका इधर भी आ रहा है जिसमें हम इनको पानी। वैसे मैं वही सोच रहा हूँ इतनी आवाज कहाँ से आ रही, वो उसने फिर वहां पे दाना खिला दी है। चले कोई बात नहीं, फिर उठा के जो सा रहे वो उठाने ही। अरे गाइस मैंने कहा थोड़े स्टाइल ही मारो। तो गाइस एक और काम करना है, पहले मैं इनको बंद करता हूँ सारे कबूतरों को, बच्चे को पकड़ के। तो चले गाइस बच्चे को पकड़ते हैं अंदर बंद करने, नहीं पहले हम इसको पकड़ के रखते हैं अपने हाथ में, तो डंडा पकड़ के पहले इनकी इसकी दोनों लाते पकड़ लें। तो चले गाइस इनको बंद करते हैं, अब बंद नहीं मगर मैं अभी ये दो तस्वीरें लेनी है ताकि वो भी हम यूट्यूब पर डाल सकें। चलो 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 बस डंडे का डंडी का बहुत फायदा बस ये देखें। ऐसे तो चले गाइस हम पहले तस्वीरें भी उतार लेते हैं अपने छोटे छोटे कबूतरों की, नन्ना कबूतर। गाइस की माँ भी छोड़ के भाग गई है, तो चले गाइस पहली तस्वीर। बस पहली तस्वीर उतर गई, तो गाइस अभी ये आ ही नहीं रहा जगह में। तो चले गाइस इसको ऐसे तस्वीर ऐसे करके उतार देते हैं। इधर आओ इधर आओ भाई इधर आओ। तो चले गाइस इनको दोबारा भाई छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया हमने इनको दोबारा भाई। ओए तो चले गाइस छत भी साफ होगी और हम अपने कबूतर भी छोड़ देते हैं। तो गाइस जिसके पास वो कबूतर हमारे गए होंगे उसके तो मजे होंगे, जो घर के हमारे बच्चे थे जैसे ये अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे अच्छे भले बैठते थे, तो पता नहीं उनको क्या हुआ भाग गए एकदम। तो चले गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी, ठीक है गाइस। तो लाइक छोड़ दें, तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी है, ठीक है। तो ऐसे आप बढ़ाई जाए, ठीक है। तो लाइक लाजमी कर दिया करें, ये देखें।